और अब बात दंतेवाड़ा की। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर बेला डिला के 4 नंबर और 14 नंबर खदान खनन करने का विरोध किया है। बीजेपी की सरकार और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जनता के प्रति गंभीर नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया। इन्हें हर 10 साल 10-10 हजार करोड़ NMDC से मिलता है और खदान खनन से अब तक 22 गांवों के 22 हजार मूल वासी ग्रामीण बेदखल होकर पलायन कर चुके हैं। खदानों के खनन से दंतेवाड़ा, बाजीपुर, बीजापुर के 52 गांव प्रभावित हो रहे हैं। और श्रीगंगानगर में 32वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय नशा मुक्ति शिविर की शुरुआत की गई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बंसल, पंचायती धर्मशाला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, चतुर स्वरूप धाम सेवा समिति के अध्यक्ष भूषण सिंगला समेत विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मानव सेवा समिति अध्यक्ष कृष्णलाल ने बताया है कि नशा मुक्ति शिविर मनोचिकित्सक डॉक्टर अंकुश शर्मा की देखरेख में 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 33 लोगों ने नशा छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज मानव सेवा समिति की ओर से नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति शिविर का आयोजन स्थानीय रूरल धर्मशाला में किया गया है, जहां 33 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नशा छोड़ने के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये 3 दिवसीय आवासीय कैंप यहां पर है।